नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक और वीडियो में आपका। मिलिए नई नवेली डिजायर गाड़ी से। इसके तीनों वेरिएंट्स को एक साथ कंपेयर करते हैं, LXi, VXi और ZXi। जो लुक है उसने तो मैदान जीत लिया है दोस्तों, बहुत जबरदस्त और एक प्रीमियम लुक के साथ ऑफर हुई है। रही कहीं का सर 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव करके इसने बाकी सभी जो ब्रांड्स हैं उसके लिए सर्वाइव करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल कर दिया है दोस्तों। तीनों वेरिएंट्स को एक साथ कंपेयर करते हैं और फीचर डिफरेंस बताते हैं, जिससे आपको आइडिया लग सके कि वैल्यू फॉर मनी परपोज में कौन सा वाला वेरिएंट ज्यादा फिट बैठता है। अब जो चीजें नई हुई हैं डिजाइन के अलावा, वो इंजन जो स्विफ्ट के साथ देखने में मिलता था वही इंजन अब इसको साथ मिलेगा आपको। जेड सीरीज का 3 सिलेंडर इंजन है, क्यूबिक कैपेसिटी सेम है, 1197 सीसी का रहने वाला है दोस्तों। 80 BHP पावर बनाता है और 112 न्यूटन मीटर की आपकी टॉर्क रहती है। 3 साल और 1,00,000 किलोमीटर की आपको बाय डिफॉल्ट स्टैंडर्ड वारंटी देखने को मिलेगी। तो पीस ऑफ माइंड, रिलायबिलिटी, शानदार माइलेज, अच्छा खासा पिकअप, तो पूरे बेहतरीन तरीके से एक ऑलराउंड पैकेज ये गाड़ी आपके लिए बन चुकी है दोस्तों। कॉम्पैक्ट सेडान का बहुत ज़्यादा ट्रेंड नहीं रहा था, लेकिन यकीन मानिए इस गाड़ी के इंट्रोडक्शन के साथ वो ट्रेंड दोबारा लौट के आ जाएगा। अपनी श्रेणी के सबसे ज़्यादा सेल होने वाली गाड़ी मेरे हिसाब से ये बनने जा रही है, और पहले भी उस ताज के साथ ये पहले नंबर पे रहती थी दोस्तों। और ये जो डिज़ाइन है मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा है, हालांकि डिज़ाइन एक सब्जेक्टिव पसंद रहती है, लेकिन यकीन मानिए ज़्यादा पोलराइजिंग डिज़ाइन नहीं है, सभी को पसंद आने वाला है डिज़ाइन। अब और क्या क्या चीज़ें मिलती हैं इसमें, देखिए फ्रंट फेसिया देखते ही पता चल जाएगा आपको कि इसमें जो नीचे वाले दो वेरिएंट्स हैं LXi VXi, इसमें प्रोजेक्टेड हेडलाइट मिलता है आपको, लेकिन हेलोजन वाला। यहाँ पर येलो बीम मिलेगी आपको, वाइट बीम नहीं मिलती है। उसी हाउसिंग में एक पोजिशनिंग लाइट जलती है और इंडिकेटर के लिए बल्ब देखने को मिलता है आपको। देखिए मैं और नजदीक से दिखाता हूँ, लेकिन जैसे ही सेकेंड टॉप मॉडल जो कि ZXi रहने वाला है वहां पर वही मल्टीपल पार्ट वाली LED रिफ्लेक्टर के साथ मिलेगी आपको। देखिए और नीचे एक बड़े बेहतरीन तरीके से हॉरिजॉन्टल शेप की आपको LED दी गई है जो कि DL के तौर पे काम करती है। उसी हाउसिंग में नीचे इंडिकेटर के लिए हेलोजन बल्ब मिलेगा, यहाँ LED नहीं दी गई है। और ये कितने अच्छे तरीके से इंडिकेट होती है सेंटर ग्रिल के साथ, बड़े बेहतरीन और अप मार्केट एक फील देती है। लेकिन जो कि स्विफ्ट में आपको मेन ग्रिल पूरी पियानो ब्लैक की थी ना, यहाँ पर नीचे वाला पार्ट आपको मैट ब्लैक मिलेगा, सिर्फ ऊपर वाली स्ट्रिप ही पियानो ब्लैक मिल रही है। फॉग लैंप तीनों जो वेरिएंट में कंपेयर कर रहा हूँ, इसमें फॉग लैंप नहीं मिलते हैं आपको, एज एन एसेसरी परचेज करने पड़ेंगे। तो फॉग लैंप सिर्फ टॉप मॉडल के लिए रिजर्व रखा गया है, तो चीज़ है। बाकी जो ट्रीटमेंट है, जो बेस मॉडल है आपका LXi, इसमें आपको देखिए पूरे तरीके से मैट ब्लैक ही मिलेगा आपको, यहाँ पर पियानो ब्लैक का इस्तेमाल नहीं किया गया है। तो बेस मॉडल तो आपको देखने से कोस कटिंग मिलेगी ज़्यादा उसमें। अब इंडिकेटर की बात करते हैं, बेस मॉडल में आपको फ्रंट फेंडर पर इंडिकेटर मिलेंगे दोस्तों, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको ORVM के ऊपर मिलेंगे। यहाँ पर LED के तौर पर काम करते हैं, सनलाइट काफ़ी ब्राइट है तो शायद आप ना देख पा रहे हो, तो चीज़ रहेगी। वैसे ही आपको ZXi में देखने को मिलेंगे। अब जो ORVM का कलर है और डोर ओपनिंग हैंडल का कलर है वो आपका ब्लैकआउट या बॉडी कलर में नहीं मिलेंगे बेस मॉडल में, बाकी सभी वेरिएंट्स में आपको बॉडी कलर में देखने को मिलेंगे। अब आगे बढ़ते हैं, टायर की तरफ रुक करते हैं अपना। बेस मॉडल में आपको 16580 और R14, तो 14 इंची स्टील मिलेंगे आपको, और कवर भी नहीं मिलेगा क्योंकि जो सिल्वर कलर होता है इसका मतलब ये है कि सिर्फ कवर मिलेगा आपको, ऊपर कवर अलग से परचेज करना पड़ेगा। जबकि VXi से आपको स्टीलिंग जरूर मिलेंगे लेकिन ब्लैकआउट है, इसका मतलब इसके ऊपर सीधा बात यह है कि कवर जरूर मिलेगा आपको। इसकी जो टायर की प्रोफाइल है वो आपको सेम मिलेगी जो कि बेस मॉडल में है, 165/80 R14, तो चीज़ रहेगी। लेकिन जैसे ही आप ZXi की तरफ जाएंगे ना, वहाँ पर आपको ब्लैकआउट जैसे कि ब्रेजा के साथ ट्रेंड है ना, वैसे ट्रेंड देखने मिलता है। इस तरीके के अलॉय व्हील मिलेंगे पूरे तरीके से ब्लैकआउट, डिज़ाइन बहुत बेहतरीन है दोस्तों, अप मार्केट फील कराएगा आपको। मल्टीपल स्पोक्स वगैरह दिए गए इसमें। जो ग्राउंड क्लियरेंस है 163mm की, वो सेम टू सेम रहेगी सभी वेरिएंट्स में, लेकिन आपको ठीक ठाक रहेगी, लेकिन बड़े गड्ढे वगैरह हो या स्पीड ब्रेकर हो तो डायगोनली गाड़ी को आपको क्रॉस करना पड़ेगा। अब पीछे रुक करते हैं, शार्प फिनेंटिन आपको बेस मॉडल से मिल रहा है। एक चीज़ थी बहुत ज़्यादा डिमांडिंग थी, तो कंपनी ने फाइनली जो कस्टमर्स हैं उसके रिव्यू के ऊपर काम किया है, वो आपको शार्प फिनेंटिन मिलेगा और बेस मॉडल से आपको डिफॉगर मिल रहा है। ये लाइन इस चीज़ का पूरी तरीके से जस्टिफाई करती हैं कि हाँ डिफॉगर मिल रहा है। पीछे ये मैट ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है काफ़ी अच्छे तरीके से। एरो शेप की टेल लाइटें मिलती हैं आपको और ये LED का पार्ट रहने वाला है। रिवर्स गियर के लिए इंडिकेटर के लिए को हेलोजन बल्ब मिलेगा, बाकी LED का इस्तेमाल किया गया है। देखिए काफ़ी शानदार है, पार्किंग सेंसर 4 दिए गए हैं इसमें। अब VXi का रुख करते हैं, तो LXi VXi में आपको देखते ही पता चल जाएगा, पीछे से मैं दूर होकर दिखाता हूँ कि क्रोम की स्ट्रिप पूरे तरीके से जो राइट की टेल लाइटें हैं उससे लेकर लेफ्ट की जो टेल लाइटें वहाँ तक ट्रैवल करती है, और साथ में पियानो ब्लैक का इस्तेमाल किया गया है। वहाँ पर आपको मैट ब्लैक मिल रहा है दोस्तों, ये चीज़ यहाँ पे पियानो ब्लैक मिल रही है।
तो चीज का फर्क है। बाकी टेल लाइट का अगर डिजाइन की बात करें ना, वो सेम टू सेम वैसे एलईडी का इस्तेमाल किया गया है, वैसे हैलोजन का इस्तेमाल किया गया है। और यहाँ पर भी सिर्फ आपको पार्किंग सेंसर पीछे मिलते हैं, कैमरा वगैरह नहीं मिलेगा। ये आपका ZX है जो कि सेकंड टॉप मॉडल रहने वाला है। यहाँ पर VXi और ZXi में सेम चीज़ें मिलेंगी ये आपको। और अच्छी बात है कि बेस मॉडल से आपको स्पॉइलर मिल रहा है छोटा सा इंटीग्रेटेड, देख लीजिए, ये मैं बताना भूल गया था। और डिफोकर तो मैं बता ही चुका हूँ। फ़र्क क्या है ZXi में, ये है कि कैमरा, ये देखिए पीछे कैमरा मिलना शुरू हो जाता है ZXi वेरियंट से। बाकी पार्किंग सेंसर वगैरह वो चीज़ें सेम है दोस्तों, कोई फ़र्क नहीं है। जो टायर की प्रोफाइल है वो भी 185/65R15। तो ZXi से आपको 15 इंची अलॉय व्हील मिलते हैं, मैं आगे बताना भूल गया था आपको, तो 1 इंच बड़ा मिलेगा आपको, ये चीज़ है दोस्तों। फ्यूल टैंक कॉमन रहने वाला है 37 लीटर का। अब बात करते हैं बूट स्पेस की, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक बटन मिलता है आपको, ये एक अच्छी चीज़ है। 382 लीटर का बूट स्पेस मिलेगा। लाइट वगैरह बेस मॉडल में आपको नहीं दी गई है दोस्तों। लोडिंग लिप थोड़ी सी ज़्यादा है, तो आपको हैवी लगेज वगैरह निकालते समय थोड़ी मशक्कत करनी पड़ेगी, तो ये चीज़ रहने वाली है। जो रेगुलर टायर है उसी प्रोफाइल का आपको स्पेयर व्हील मिलता है स्टील रिम। बाकी 60/40 स्प्लिट वगैरह बेस मॉडल में आपको देखने को नहीं मिलेगा। VXi का जो बूट है यहाँ पर भी आप देखिए 60/40 स्प्लिट नहीं मिल रहा है आपको, लेकिन ये अच्छी बात ही है कि बूट के लिए अलग से एक लाइट देगी हैलोजन बल्ब के तौर पे, और स्पेयर व्हील आपका सेम प्रोफाइल का है रेगुलर टायर के तौर पे, एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पर भी कोई ब्लैंकेट वगैरह इस्तेमाल नहीं किया गया है। ये आपका ZXi वेरियंट, तो यहाँ पर भी सेम रिक्वेस्ट सेंसर वगैरह तो नहीं दिया गया है। बाकी गाड़ी की तरह एक ही बटन देखने को मिलेगा आपको, और यहाँ पर भी बूट लाइट मिलती है, और 60/40 स्प्लिट आपको यहाँ पर भी नहीं मिल रहा है दोस्तों। तो 60/40 स्प्लिट ये तीनों वेंट्स में नहीं मिल रहा है, और यहाँ पर जो कि अलॉय व्हील है लेकिन आपको स्टील ही मिलेगा। सभी अलॉय व्हील वाली गाड़ियों के साथ जो स्पेयर व्हील आमतौर पर आपको स्टील में मिलता है वैसे यहाँ पर किया है, और इसकी प्रोफाइल भी थोड़ी सी कम देखने को मिलेगी, इसलिए स्पीड लिमिट 80 की रखी गई है। लगेज काफ़ी अच्छा है, लगेज रखने के लिए जो स्पेस है बड़ा बेहतरीन मिलता है आपको, तो उस बात में कोई दो शक नहीं है दोस्तों। तो अब लेके चलते हैं इंटीरियर में। ये आपका बेस मॉडल, अब बेस मॉडल में जो पीछे वाला डोर है आप देखिए डुअल टोन वगैरह इस्तेमाल किया गया है इसमें, हार्ड प्लास्टिक रहेगा सब कुछ। और ये जो बेज है थोड़ा सा एक एम्बियंस को अपलिफ्ट करता है ये, बाकी अच्छी बात है कि यूटिलिटी स्पेस वगैरह शानदार मिलते हैं आपको। और फैब्रिक जो है काफ़ी अच्छी क्वालिटी का यूज़ किया गया दोस्तों बेस मॉडल में, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ एक बार आपको, देखिए। हालांकि लाइट कलर का है तो सीट कवर लगवाने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं, क्योंकि ना तो दिक्कत आएगी आपको इसको मेंटेन करने में। अब अंदर बैठ के दिखाते हैं आपको, 2450mm का व्हील बेस है एग्जैक्टली सेम जो आपको किसमें मिलता है स्विफ्ट गाड़ी मिलता है। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा नी रूम मिल रहा है आपको, और एडजस्टेबल एड्रेस नहीं मिलते हैं बेस मॉडल में आपको, फिक्स वाले मिलेंगे दोस्तों, और दो ही मिलते हैं, लेकिन सीट बेल्ट तीनों बंदों के लिए मिल रही है 3 पॉइंट, ये अच्छी चीज़ है। आर्म रेस्ट मिसिंग रहेगा बेस मॉडल में। रिक्लाइन एंगल जो ये एंगल है ना ये बड़ा शानदार है, तो कंफर्टेबली बहुत बैठते हैं आप। स्विफ्ट से चीज़ बेटर लगेगी आपको कि व्हील बेस सेम होने के बावजूद भी जो कंफर्ट लेवल है ना वो डिजायर में ज़्यादा बेहतर मिलते हैं आपको, और अंडर थाई स्पेस वगैरह भी ठीक ठाक मिलता है। पीछे कोई एसी वेंट्स वगैरह बेस मॉडल में आपको नहीं दिए गए हैं, एक यहाँ बोटल होटल मिलता है आपको, और किसी प्रकार कोई मैगजीन होटल वगैरह नहीं मिल रहा है। देखिए एयरबैग साइड में कटे हैं एयरबैग, इसका मतलब बेस मॉडल से अच्छे एयरबैग मिल रहे हैं आपको, तो सेफ्टी इसलिए सेल्फ फाइव स्टार रिसीव की इसने। हैलोजन लाइट मिलती है एक। अब लेके चलते हैं आपको VXi वेरिएंट में। ये रहा आपका VXi वेरिएंट, सेम हार्ड प्लास्टिक, जो फर्क वही है कि डोर ओपनिंग हैंडल यहाँ पे क्रोम के हो जाते हैं VXi में आपकी, बाकी चीज़ें सेम टू सेम रहने वाली है, कोई चेंज नहीं है दोस्तों, हार्ड प्लास्टिक ही रहेगा। पावर बटन जो है, एक मिनट ये मैं भूल गया था, हाँ बेस मॉडल से आपको चारों पावर विंडो मिल रही हैं, तो ये चीज़ अच्छी है। बाकी डोर पैनल पे इस्तेमाल सेम चीज़ किया गया है, यहाँ बॉक्स में आपके व्हील कवर रहने वाले हैं, और बाकी चीज़ें ये जो फैब्रिक सेम चीज़ें मिलती हैं आपको जैसे कि ZXi मिल रहा था, लेकिन अच्छी बात ये है कि एक तो आर्मरेस्ट ऐड हो चुका है कप होल्डर के साथ, और दोनों एडजस्टेबल एड्रेस मिलते हैं, बीच वाला एड्रेस यहाँ पर मिसिंग रहेगा VXi वेरिएंट में। और एड ऑन क्या है, पीछे वाली सीट पर मैगजीन होल्डर, ये सिर्फ कोड्राइवर सीट के पीछे मिलेगा। और क्या है दोस्तों, ये AC वेंट्स और चार्जिंग स्लॉट्स, वाह भाई वाह। तो मेरे हिसाब से VXi वेरिएंट जो है बहुत ज़बरदस्त वैल्यू क्रिएट करता है दोस्तों, और सबसे ज़्यादा डिमांडिंग यही रहने वाला है। अब लेके चलते हैं ZXi में।
ZXI में जो डोर है सेम है, कोई फर्क नहीं है, जैसे कि VXI का मिल रहा था आपको, सेम फैब्रिक सीटों का दोस्तों, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है, सेम हेडरेस्ट फिक्स मिलते हैं आपको, आर्मरेस्ट वगैरह सेम डिटो चीज़ें मिल रही हैं, सेम ये चीज़ें मिल रही हैं यहाँ पर, यहाँ पर कोई फर्क नहीं है किसी प्रकार का। एसी के वेंट्स वगैरह, चार्जिंग पॉइंट्स वगैरह, ये चीज़ें सेम मिल रही हैं, जैसे कि VXI मिल रही थी। पीछे वाली सीट का एक्सपीरियंस VXI और ZXI का डिटो सेम रहने वाला है। यहाँ पर भी एक लाइट मिलती है पीछे, बस एक लाइट मिलेगी सेंटर में आपको। तो पीछे वाली सीट में VXI और ZXI सेम रहने वाले हैं, LXI में कुछ फीचर्स कम मिलेंगे आपको। अब फ्रंट सीट पे जहाँ पर ज़्यादातर समय गुजरेगा आप, वहाँ ले चलते हैं आपको। ये देखिए फ्रंट वाली सीट पे सबसे पहली चीज़ ये है कि यहाँ पर ये फैब्रिक दिया गया है दो जगह, इस पोर्शन पर, यहाँ पर हल्का सा सॉफ्ट टच है और बाकी चीज़ें सेम मिलती हैं आपको। ये बेज कलर का इस्तेमाल किया गया है, लॉक अनलॉक और ग्लासेस को लॉक कर सकते हैं। ये चाबी देखिए, यहाँ मारुति ने इम्प्रूवमेंट नहीं किया दोस्तों, सेम चाबी मिलती है आपको जैसे पहले मारुति गाड़ी में मिल रही थी। दोनों रिमोट वाली चाबी बेस मॉडल से मिल रही है, अच्छी बात है। लेकिन ड्राइवर साइड वाली ऑटो है, देखेंगे कैसे अप डाउन है, क्या कैसी है वो। और जो ORVM है वो इलेक्ट्रिकली ही फोल्ड नहीं होंगे आपके हाथ से, ही मैनुअली फोल्ड और सेटिंग करनी पड़ेगी उसकी। यहाँ बोतल वगैरह बैठने के लिए, क्लॉथ रखने के लिए स्पेस है। जो ड्राइवर सीट है वो वाइट के लिए एडजस्टेबल बेस मॉडल में नहीं मिलेगी आपको। यहाँ से आपका बूट ओपन होता है, यहाँ से आपका हुड और फ्यूल गेज ओपन होगा। बेस मॉडल से आपको आइडल स्टार्ट स्टॉप बटन मिल रहा है, ये एक अच्छी चीज़ है। इंजन स्टार्ट स्टॉप बोल सकते हैं इसको, माफ़ कीजिए आइडल स्टार्ट स्टॉप भी है, इंजन स्टार्ट स्टॉप नहीं है ये। और हेडलाइट लेवल मिलता है, ऊपर ESP ऑफ करने के लिए एक बटन दिया गया है। अब बैठ के दिखाते हैं बाकी चीज़ें क्या मिल रही हैं। NVH कैसा महसूस होता है आपको, ये मैंने गाड़ी स्टार्ट कर ली है दोस्तों, और आवाज़ आती है, वाइब्रेशन हल्की फुल्की स्टेयरिंग व्हील के ऊपर आ रही है, गियर नॉब पे बिल्कुल नहीं है, पैडलों के ऊपर हल्की फुल्की बहुत माइनस ही है, वो भी कोल्ड स्टार्ट है तो थोड़ी देर में वो मेरे हिसाब से चली जाएंगी। अब स्टेयरिंग व्हील बात करते हैं, इस पर बेस मॉडल में किसी प्रकार कोई बटन वगैरह नहीं दिया गया है। पी की आवाज़ मिलती है सिंपल सी, ज़्यादा हॉर्न वगैरह चीज़ नहीं किया गया। इधर हेडलाइट के हैं, इधर आपके वाइपर वॉशर कंट्रोल, और जैसे स्विफ्ट में आप देख रहे थे बिल्कुल वैसा ही स्पीडोमीटर मिलेगा आपको, सेम नीडल्स वगैरह हैं दोस्तों, कोई फर्क नहीं है। ऑटो अगर दबाएंगे तो चीज़ें आपकी इस तरीके से बताती है, रेंज वगैरह, माइलेज वगैरह, ट्रिप मीटर वगैरह। अब बेस मॉडल में जैसे स्विफ्ट मिला था वैसे एसी मिलेगा आपको, ये ऑटोमेटिक एसी नहीं है, लेकिन इसका जो बनावट है बिल्कुल ऐसी है जैसे ऑटोमेटिक हो। देखिए ऑटो का एसी का बटन नहीं मिलेगा आपको। कूलिंग बहुत लाजवाब है, इसके लिए थम्स अप जाता है मारुति सुजुकी के लिए। यहाँ म्यूजिक सिस्टम लगवा सकते हैं आप, नहीं मिलता है बेस मॉडल में आपको। जो IRVM वो हाथ से इस तरीके से एडजस्ट करना पड़ेगा, कोई टॉगल वगैरह नहीं मिलेगा आपको, और किसी प्रकार का सनवाइजर पे आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलता है। जो डैशबोर्ड है इस तरीके से मल्टीपल लेयर दिए गए, इसमें बेज और ब्लैक का अच्छा कॉम्बिनेशन है, ये हल्का सा टेक्सचर भी दिया गया है, अच्छा फील कराता है। नीचे की बात करें तो इस तरीके 12 वोल्ट का एक सॉकेट, यहाँ का पोल्डर बड़ा ही शानदार, गेयर बॉक्स सॉफ्ट है ये, और ये पूरे तरीके से मैट ब्लैक मिलेगा आपको, इसमें क्रोम वगैरह का इस्तेमाल नहीं किया गया है बेस मॉडल में। ये इस तरीके से हैंडब्रेक मिलेगा, सीटें काफ़ी कंफर्टेबल हैं, अच्छा फील कराएंगे आपको। ये आपका काफ़ी डीप ग्लो बॉक्स है, कूलिंग वगैरह इसमें नहीं मिलेगी आपको। अगर बात करें स्टेयरिंग व्हील के एडजस्टमेंट की तो सिर्फ टिल्ट को सपोर्ट करता है, टेलीस्कोपिक नहीं रहने वाला है। अब लेके चलते हैं आपको VXI में। तो VXI वेरिएंट में सबसे पहले तो ये जो चीज़ें हैं, बॉडी कर्म, डोर ओपनिंग हैंडल वगैरह, ये पीएमएस ऑफर करते हैं तो चीज़ सीधे आपको फील होने वाली है। फैब्रिक वगैरह सेम मिलता है आपको VXI में और LXI में। अगली चीज़ जो ऐड ऑन हुई है, जो ORVM इलेक्ट्रिकल एडजस्टमेंट प्लस फोल्डेबल दोनों फीचर के साथ आते हैं आपके, ये चीज़ एक्स्ट्रा मिलेगी आपको। और जो ड्राइवर सीट है वाइट के लिए एडजस्टेबल मिलनी शुरू हो जाती है आपकी VXI वेरिएंट से, हालांकि की फॉब सेम रहने वाला है, उसमें कोई फ़र्क नहीं है। इधर ये बटन वगैरह भी सेम टू सेम है, कोई फ़र्क नहीं है इसमें। अब ये ऑटोमेटिक वेरिएंट है तो वो भी आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से दिखाई देगा। ये स्टार्ट कर लेते हैं एक बार, तो ये मैंने स्टार्ट कर लिया है, ऑटो अप भी है ये और ऑटो डाउन भी है दोस्तों, तो ये अच्छी चीज़ है कि ऑटो अप डाउन दोनों फीचर के साथ आती है आपकी। जो स्टेयरिंग व्हील है यहाँ पर भी टिल्ट मिलता है आपको, टेलीस्कोपिक नहीं मिलने वाला है। जैसे स्विफ्ट मिला था वैसे VXI वेरिएंट से आपको वायरलेस एंड्रॉइड 12 पर कापले वाला म्यूजिक सिस्टम मिलता है 7 इंच का, और इसका टच रिस्पांस मैंने पहले भी काफ़ी सारी गाड़ियों में तारीफ की है, बहुत अच्छा है दोस्तों, काफ़ी ज़्यादा पसंद आएगा। और मैं कैमरा लगा के दिखाता हूँ रिवर्स मोड में, इस तरीके से डिस्प्ले आएगा, कैमरा नहीं मिलता है VXI में आपको। और बाकी क्या चीज़ें हैं, स्टेयरिंग व्हील के ऊपर थोड़े से ग्लोसी एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया गया है यहाँ पर ज़्यादा, और ये कंट्रोल्स वगैरह जैसे मारुति सुजुकी गाड़ियों में मिलते हैं वैसे मिलेंगे आपको। इधर आपके हेडलाइट के कंट्रोल, इधर वाइपर वाशर कंट्रोल मिलते हैं,
हल्का फुल्का सिल्वर का इस्तेमाल थोड़ा सा ज्यादा किया गया है VXI में LXI के मुकाबले, बाकी चीजें सेम टू सेम रहने वाली हैं, कोई फर्क नहीं है। ऊपरी तरफ आएंगे तो ये IRVM आपका मैनुअली टॉगल मिलने लग गया अब आपको, एक ये लाइट का एडोन हुआ है, वैनिटी मिरर भी मिलता है आपको, इधर टिकट होल्डर मिलता है ड्राइवर साइड वाइज सनवाइजर पे, दो चीजें हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो ये भी ए टाइप का एक पोर्ट मिलता है, इधर एक 12 वोल्ट का मिलेगा आपको, कुछ सामान रखने के लिए जगह है, कप होल्डर है, इस तरीके का गियर नॉब है दोस्तों, इस तरीके पीछे लेके आएंगे, डी में एक लाइट जल जाती है तो ड्राइव मोड में आ गया, अब न्यूट्रल में और इस तरीके से रिवर्स में, और इसको इसको मैनुअल ले जाना चाहे तो इस तरीके से मैनुअल मोड में आ जाता है। और ये दिखाता है यहाँ पर देखिए सामने कि कौन से गियर में, बार का टेम्परेचर, टाइम वगैरह सब शो हो रहा है इसमें, और ये माइलेज वगैरह इस तरीके से आप टॉगल दबा के थंब के माध्यम से देख सकते हैं, वो सभी चीज़ें कॉमन है मारुति सुजुकी गाड़ियों में वैसे मिलेंगे आपको। और यहाँ पर मैनुअल हैंड ब्रेक रहने वाला है, इस तरीके से ग्लोव बॉक्स है, कूलिंग वगैरह यहाँ पर नहीं मिलेगी आप देखिएगा टेक्सचर वगैरह। अब लेके चलते हैं आपको कहाँ पर, ZXI सेकंड टॉप मॉडल VXI वेरिएंट, इसलिए मैं जोर दे रहा हूँ बार बार कि बहुत ज़्यादा सेल फिगर देखने वाला है दोस्तों, यहाँ विंडो लाइनिंग आपकी क्रोम फिनिशिंग में मिलती है ZXI। अब ZXI वेरिएंट जो हो कीलेस एंट्री को सपोर्ट करता है, तो ड्राइवर साइड और ड्राइवर साइड दोनों तरफ आपको रिक्वेस्ट सेंसर मिलेंगे, एक अप मार्केट चीज़ें फील कराते हैं, बाकी डोर पे VXI पे जैसे बटन थे वैसे ही आपको ZXI मिलेंगे, कोई एडोन नहीं है। यहाँ एक ट्विटर की प्लेसमेंट एक्स्ट्रा देखने को मिलेगी आपको, थोड़ा सा एक प्रीमियम ऑफर करती हैं चीज़ें। यहाँ पर भी ड्राइवर सीट हाइट के लिए एडजस्टेबल मिलती है आपको, पेड लो बीच की स्पेसिंग वगैरह देख लीजिए सेम टू सेम वैसे मिलेगी। अगला एडोन है ये पुश बटन स्टार्ट, ये आपको ZXI से मिलना शुरू होगा, ये आपको VXI में नहीं मिलता है। अब यहाँ पर भी स्टार्ट कर लेते हैं गाड़ी को, तो गाड़ी स्टार्ट करने के बाद ये जो स्टेयरिंग व्हील है यहाँ पर भी टिल्ट मिलेगा आपको, टेलीस्कोपिक नहीं मिलता है, बटन वगैरह सेम है, लेदर रैपिंग वगैरह नहीं मिलती है ZXI वेरिएंट होने के बावजूद भी। जो चीज़ें मिलती हैं वो है ऑटोमेटिक हेडलैम्प, हालांकि वाइपर वाशर वगैरह यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं मिलते हैं, हेडलैम्प ऑटोमेटिक जरूर मिलते हैं आपको, तो हल्की सी प्रीमियम दी गई है। और क्या प्रीमियम दी गई है वो डैशबोर्ड देखते पता चल गया आपको, ये देखिए वुड टाइप की फिनिशिंग कितनी शानदार है, बहुत ही अप मार्केट फील कराएगी आपको, ये काफ़ी मल्टीपल लेयर्स हो जाती हैं ZXI में, एक अच्छा प्रिंट टच मिलता है। और ऑटोमेटिक एसी भी आपको मिलना कहाँ से शुरू होता है, यहीं से, यहाँ पर देखिए जो आपके एसी वेंट्स वगैरह वहाँ पर सिल्वर फिनिश वगैरह क्रोम का इस्तेमाल वगैरह थोड़ा ज़्यादा मिलेगा आपको देखने को। हालांकि म्यूजिक सिस्टम ZXI और VXI में सेम मिलता है आपको। एड ऑन क्या हुआ है वो कैमरा मैं दिखा देता हूँ, कैमरे की क्लैरिटी बिल्कुल वैसी मिलती है क्लैरिटी दोस्तों जैसे पहले मिल रही थी, यहाँ इंप्रूवमेंट की गुंजाइश थी लेकिन मारुति सुजुकी ने वो इंप्रूवमेंट यहाँ पर नहीं की है, थोड़ी सी क्लैरिटी बेटर हो सकती थी, हालांकि फंक्शनिंग ठीक है, क्विक है, डिले नहीं करता ये। और क्या चीज़ें हैं, मैनुअल IRVM यहाँ पर ही मिलता है आपको, इस तरीके से एक लाइट मिलती है, वैनिटी मिरर को ड्राइवर सीट मिलता है, ड्राइवर सीट पे आपको टिकट होल्डर मिलेगा सनवाइजर के ऊपर। अगर ग्लो बॉक्स की बात करें तो सेम ग्लो बॉक्स है जैसे कि VXI में था। और जो चाबी की बात करें एक अच्छी चीज़ है जो कि पहले वाली डिजायर में मेंटेन थी वो यहाँ पर मिलेगी आपको, जो चाबी है ना देखिए बूट ओपन करने वाला बटन डेडिकेटेड उसके ऊपर मिलता है आपको, तो जैसे होल्ड करके रखेंगे आप तो बूट आपका ओपन हो जाता है। वायरलेस चार्जिंग मिलती है ZXI वेरिएंट से आपको, एक USB और 12 वोल्ट का सॉकेट मिलता है, गियर नॉब सेम है AGS के कौन सा मोड ले लीजिए आप, इस तरीके से चार्जिंग पॉइंट वगैरह एक ए टाइप का और एक सी टाइप का मिलेगा आपको, यहाँ मोबाइल रख सकते हैं चार्जिंग के समय पे। स्पीडोमीटर वगैरह सेम टू सेम, कोई फर्क नहीं है उसमें। तो ये एक बड़ा शानदार लुक के साथ पेश की गई नई डिजायर आपकी, होपफुली आपको ये वीडियो पसंद आएगा दोस्तों, अगर पसंद आए तो इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद, जय हिंद।